हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आता है कंडीशन एंड वारंटीज़ डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक को बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू बिन गिविंग मी आप लोग के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सो थैंक यू सो मच एंड वी आर अ फैमिली ऑफ ऑलमोस्ट वन थाउजेंड पीपल विच अगेन इज अज माइल स्टोन तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड आई एम सॉरी थोड़ा सा वीडियोस मेरे इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं मैं जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाती हूँ बट आई एल मेक श्योर कि एटलीस्ट मिनिमम हर टेन डेज़ में आई एल अपलोड वन न्यू टॉपिक फॉर यू तो जो भी टॉपिक पे वीडियोस बनानी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना एंड अगर आपको एचआर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन सब्जेक्ट्स में से किसी पे वीडियोस बनवानी हो तो प्लीज़ लेट मी नो दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू देखिए जब हम लोग टर्म सुनते हैं कंडीशन ऑफ वारंटी तो पहले ये समझते हैं कि ये टर्म आखिर लाए क्यों गए क्यों इनका यूज़ करना स्टार्ट किया गया द टर्म्स कंडीशन एंड वारंटी आर सेट आउट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रेमिडीज़ द पार्टीज़ कैन क्लेम इन केस ऑफ द ब्रीच बाय ईदर ऑफ द पार्टीज देखिए ये जो टर्म्स हैं कंडीशन ऑफ वारंटी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बस इसीलिए लाए गए थे ताकि हम रेमिडीज़ प्रोवाइड कर सकें अगर कोई दोनों में से कोई एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दे तो दूसरी पार्टी को कुछ रेमेडी प्रोवाइड करी जा सके दूसरी पार्टी को कुछ राहत प्रोवाइड करी जा सके बेसिकली दो पार्टीज़ हैं अगर एक ने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कराए तो ताकि दूसरी को नुकसान ना हो ये दोनों टर्म्स लाए गए यूज़ में अब देखिए एक टर्म समझते हैं स्टिप्यूलेशन स्टिपूलेशन का अगर हम हिंदी में मतलब समझे उसका मतलब होता है शर्त तो देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्टिप्यूलेशंस होती हैं मतलब कुछ शर्तें होती हैं कुछ शर्तें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं वारंटी तो एक एक करके दोनों टर्म्स को अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले आता है कंडीशन देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें होती हैं कुछ स्टिपुलेशन्स होते हैं ऐसी शर्तें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं कंडीशन कंडीशन इज़ अ फंडामेंटल प्री कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द होल कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड अपॉन कुछ ऐसी शर्तें जिनके बेसिस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है अगर ये शर्तें फुलफ़िल नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार यानी कि वर्ड माना जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आधार कंडीशन होती है कंडीशन इज़ अ फाउंडेशन ऑफ दी एंटायर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन पे ही बेस्ड होता है कंडीशन इज़ अ फाउंडेशन एंड इंटीग्रल पार्ट फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का इंटीग्रल पार्ट होता है जब तक कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता इसीलिए कंडीशन ऐसी शर्तें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, है. होती हैं इंटीग्रल पार्ट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए और एक कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन होती हैं अगर मैं आपके साथ कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करूँ और मैं कुछ शर्तें रखूं और अगर आप वो शर्तें पूरी ना करें तो हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा तो यही होता है कंडीशन कंडीशन एक ऐसी शर्त है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके फुलफ़िल हुए बिना कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स वॉइड वो, और नल अब देखते हैं क्या होता है अगर एक पार्टी जो है वो कंडीशन को ब्रीच कर देती है द ब्रीच ऑफ द कंडीशन गिव्स द राइट टू द अग्रीव पार्टी टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज़ रेपूडिएटेड देखिए अगर कंडीशन ब्रीच हो गई तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसके पास अब ये राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे इन अदर वर्ड्स इफ़ द सेलर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन द बायर हैज़ द ऑप्शन टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स मतलब आसान शब्दों में बोला जाए तो अगर सेलर जो है वो अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन थी वो अगर सेलर ने फुलफिल नहीं करी तो बायर के पास ऑप्शन होता है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट मतलब रिजेक्ट कर दे या फिर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द गुड्स या फिर कह दे कि मैं सामान आपका एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा क्योंकि कंडीशन जो था वो इंटीग्रल पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का और फाउंडेशन था कॉन्ट्रैक्ट का इसीलिए कंडीशन ब्रीच हुई तो मतलब अभी दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकती है अब ये सेकेंड पॉइंट कह रहा है इफ़ द बायर हैज़ ऑलरेडी पेड ही कैन रिकवर द प्राइस एंड ऑल्सो क्लेम द डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अब अगर ऐसा केस आता है जिसमें बायर ऑलरेडी सेलर को पैसा दे चुका था तो ऐसे केस में बायर के पास राइट है कि वो अपना पैसा रिकवर करे एंड ऑल्सो क्लेम द डैमेज फ़ॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और जो भी उसको डैमेजेज हुए हैं वो भी वो डैमेज वो सेलर से क्लेम कर सकता है अब देखिए कोई भी टर्म समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल लेके समझना तो एग्जाम्पल देखते हैं सोहन वॉन्ट्स टू परचेज अ हॉर्स फ्रॉम रवि विच कैन रन एट अ स्पीड ऑफ़ फ़िफ्टी किलोमीटर्स पर आर एक बंदा है सोहन उसको एक दूसरे बंदे रवि से एक घोड़ा खरीदना है एंड सोहन की कंडीशन है कि हॉर्स जो है जो वो खरीदेगा ही दैट हॉर्स शुड रन एट अ स्पीड ऑफ़ फ़िफ्टी किलोमीटर्स पर आर तो पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ने वाला उसको हॉर्स चाहिए सोहन को रवि शोज़ अ हॉर्स एंड सीज दैट दिस हॉर्स इज़ वेल सूटेड फॉर यू अब रवि जो है वो सोहन को एक हॉर्स दिखाता है और कहता है ये घोड़ा आपके लिए एकदम सही है सोहन जो है वो घोड़ा खरीद लेता है लेटर ऑन ही फाइंड दैट द हॉर्स कैन रन ओनली एट अ स्पीड ऑफ थर्टी किलोमीटर्स पर आवर अब घर जाके सोहन देखता है कि ये हॉर्स तो सिर्फ थर्टी किलोमीटर्स पर आवर दौड़ पा रहा है दिस इज़ द ब्रीच ऑफ़ द कंडीशन अब यहाँ पे क्या हुआ रवि ने कंडीशन ब्रीच कर दी सोहन ने साफ साफ क्लियरली रवि को ये बात बोली थी कि उसको ऐसा हॉर्स चाहिए जो फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर पर दौड़ सके यानी कि सोहन की कंडीशन थी फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर वाला दौड़ पर आर की स्पीड पे दौड़ने वाला उसको घोड़ा चाहिए बट रवि ने वो कंडीशन ब्रीच कर दी तो ऐसे केस में सोहन जो है वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है पूरा पैसा जो उसने रवि को घोड़े का दिया है वो वापस ले सकता है और अगर पैसा नहीं दिया है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर सकता है अब हमने टर्म समझ लिया तो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ट्वेल्व का सब सेक्शन टू कंडीशन को कैसे डिफाइन करता है अ कंडीशन इज़ अ स्टिप्युलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेस हमने समझ लिया है कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है एक ऐसी शर्त है दैट इज़ असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और अगर कंडीशन ब्रीच करी तो फिर दूसरी पार्टी के पास ये राइट right आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दें मतलब रिजेक्ट कर दें एंड टू क्लेम डैमेजेस और जो भी उसको नुकसान हुआ है वो डैमेजेस वो क्लेम कर लें अब टर्म न हमने समझ लिया तो जल्दी से एसेंशियल्स देख लेते हैं कंडीशन की सबसे पहली है इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी पढ़ा है कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है नॉन फुलफ़िलमेंट विल डिफ़ीट द होल पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही डिफ़ीट हो जाता है जैसे सोहन को पचास किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला ही हॉर्स चाहिए था लेकिन रवि ने उसको थर्टी किलोमीटर पर आर वाला दिया तो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पर्पज ही डिफ़ीट हो गया ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स राइट्स टू द अग्रीव पार्टी टू रिसाइंड और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस अगर कंडीशन जो है वो ब्रीच हो जाती है तो जिस भी पार्टी को नुकसान हुआ है उसके पास ये राइट right होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे और जो भी उसको डैमेजेस हुए हैं वो डैमेजेस वो क्लेम कर ले अब देखते हैं वारंटी क्या होता है तो सेक्शन ट्वेल्व के सब सेक्शन थ्री के अकॉर्डिंग अ वारंटी इज़ अ स्टिब्यूलेशन को लैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द सेड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था वारंटी एक ऐसी शर्त होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है इट इज़ को लेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर वारंटी पूरी नहीं करी गई तो ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज़ ही खत्म हो जाएगा ये बेसिकली साइड बाई साइड चलती है कॉन्ट्रैक्ट के द ब्रीच ऑफ वॉरंटी गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस हाउ एवर इट डज़ नॉट गिव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रेपोडिएटेड तो अगर किसी ने वारंटी ब्रीच करी तो दूसरी वाली पार्टी उससे डैमेजेस क्लेम तो कर सकती है लेकिन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती और कॉन्ट्रैक्ट को भी रिजेक्ट नहीं कर सकती तो बेसिकली वारंटी जो है वो कंडीशन जितनी इम्पॉर्टेंट शर्त नहीं है इम्पॉर्टेंट है अगर ये वारंटी फुलफिल नहीं करी तो आप डैमेज़स क्लेम कर सकते हो बट आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते और गुड्स को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते अब वारंटी का एग्जाम्पल देखते हैं फिर से वही हॉर्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं और वारंटी समझते हैं सोहन गोस्ट टू रवि एंड सेज़ आई वॉन्ट टू परचेज अ गुड हॉर्स सोहन रवि के पास जाता है और उससे कहता है मुझे एक अच्छा घोड़ा खरीदना है अभी वो ये कुछ भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि घोड़े की स्पीड कितनी चाहिए हाइट कितनी चाहिए सब कुछ नहीं उसने रवि को बताया उसने सीधे जाके रवि से बोला आई वॉन्ट टू परचेज अ गुड हॉर्स एक अच्छा घोड़ा मुझे खरीदना है रवि गिव सोहन अ हॉर्स एंड सेज इट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर्स अब रवि जो है वो सोहन को एक हॉर्स दिखाते हैं और कहता है ये जो हॉर्स है ये चालीस किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ सकता है अब जब सोहन घर जाता है तो लेटर सोहन रियलाइजेस दैट द हॉर्स कैन रन ओनली थर्टी किलोमीटर्स इन एन आर अब जब सोहन घर जाता है वो देखता है कि हॉर्स जो है ये सिर्फ थर्टी किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से दौड़ रहा है है रविज कमिटमेंट वॉज ओनली अ वारंटी एंड नॉट एन असेंशियल कंडीशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे जो रवि ने सोहन को कमिटमेंट किया वो बस एक वारंटी थी आप जैसे नहीं शॉप पे जाते हो तो दुकानदार कहता है कि मेरी गारंटी है बहुत ही अच्छा कपड़ा निकलेगा और घर जाते हो फेड हो गया अभी ये कंडीशन नहीं है ये वारंटी है क्योंकि आपने सोहन ने पहले से जा रवि को स्पेसिफाई नहीं करा था कि उसको इतनी स्पीड चाहिए इतनी हाइट चाहिए ऐसा कुछ भी सोहन ने स्पेसिफाई नहीं करा था इसीलिए रवि का कमिटमेंट यहाँ पे इज़ ओनली अ वारंटी एंड नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर क्या हो सकता है सोहन जो है वो डैमेजेज तो क्लेम कर सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सोहन ने पहले से कोई भी कंडीशन नहीं रखी थी अब असेंशियल्स देख लेते हैं वॉरंटी के तो सबसे पहला इट इज़ को लैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पज से कनेक्टेड है लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ये मेन पर्पस ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का जैसे कंडीशन था वो मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का बट ये क्या है इट इज़ कनेक्टेड टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कॉजेज डैमेज बट डज नॉट डिफीट द इंटायर पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच जो है वो डैमेज तो कॉज कर रहा है पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस डिफीट नहीं कर रहा है जैसे पिछले केस में रवि ने घोड़ा तो सोहन को अच्छा ही दिया था बट फोर्टी किलोमीटर पर आर पे वो नहीं दौड़ रहा था तो ऐसे में उसने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज़ क्या था अच्छा घोड़ा चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज़ तो डिफीट नहीं हुआ हॉर्स तो अच्छा ही दिया था बस उसकी जो वारंटी रवि ने कहा था कि हाँ हाँ चालीस किलोमीटर पर आर पर दौड़ेगा वो फुलफिल नहीं हुई तो ऐसे में क्या हो सकता है डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट डिफीटिंग द एंटायर पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पॉइंट है अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस बट कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट जो भी जिस पार्टी को नुकसान हुआ है दैट पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है बट कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती अब हमने कंडीशन ऑफ वारंटी समझ लिया है तो अब क्वेश्चन आता है हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ स्टिपुलेशन इज़ अ कंडीशन और वारंटी अभी ये कैसे पता लगाएं कि ये जो शर्त है जो कॉन्ट्रैक्ट में शर्त रखी गई है ये एक कंडीशन है या फिर एक वारंटी है तो ये पता लगाने के लिए कि जो शर्त कॉन्ट्रैक्ट में रखी गई है वेदर इट इज़ अ कंडीशन और अ वारंटी इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसा स्ट्रक्चर कर रही हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेसि स्पेसिफिकली जाके कुछ डिटेल्स दे रहे हो कि ये 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 मुझे चाहिए जैसे पहले केस में सोहन ने स्पेसिफिकली बताया था कि फिफ्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ने वाला हॉर्स उसको चाहिए तो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा स्ट्रक्चर करा कि हमें समझ में आ गया वो कंडीशन है लेकिन सेकेंड केस में सोहन ने बोला मुझे अच्छा घोड़ा चाहिए उसने कुछ भी नहीं बताया स्पेसिफिकेशन तो वो कंडीशन नहीं था तो वेदर अ स्टिपुलेशन इज़ अ कंडीशन और अ वारंटी इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज जो भी पार्टीज हैं उनका इंटेंशन क्या है अब हम लोग देखते हैं डिफ्रेंस बिट्वीन कंडीशन एंड वारंटी हमने दोनों टर्म्स समझ लिया है जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं कंडीशन का पहला पॉइंट है स्टिपुलेशन विच फॉर्म्स द वेरी बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन बेसिस होता है एक बेसिक फाउंडेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की लेकिन वारंटी इज एन एडिशनल स्टिपुलेशन एक एडिशनल शर्त है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के से कनेक्टेड है तो कंडीशन क्या था कंडीशन वाज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट वारंटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड पॉइंट कहता है कि कंडीशन इज डिफाइंड इन सेक्शन ट्वेल्व का सब सेक्शन टू ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जबकि वारंटी किस में डिफाइन हुआ है सेक्शन ट्वेल्व का सब सेक्शन थर्ड ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थर्ड पॉइंट कहता है कंडीशन इज द बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वारंटी इज़ द गारंटी फॉर अश्योरिंग द पार्टी तो कंडीशन बेसिकली क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है कॉन्ड्रै कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है और वारंटी क्या है इट इज़ कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है बेसिकली पार्टी को अश्योर कर रहे हैं गारंटी दे रहे हैं और फोर्थ पॉइंट कहता है कि कंडीशन ऑन ब्रीच द होल कॉन्ट्रैक्ट में बी ट्रीटेड एज रेप्यूडिएटेड अगर कंडीशन ब्रीच कर दी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट माना जाता है वारंटी में ऑन ब्रीच ओनली डैमेज कैन बी क्लेम्ड लेकिन वारंटी में क्या है अगर वारंटी ब्रीच करी तो सिर्फ डैमेज क्लेम किए जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता अब हम लोग वीडियो का सबसे लास्ट और सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन कैन कंडीशन बी ट्रीटेड एज वारंटी तो देखिए दो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करते हैं सेक्शन थर्टीन ऑफ़ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेज़ डाउन द फॉलोइंग टू कंडीशन वेन अ कंडीशन बिकम्स अ वारंटी जो सेक्शन थर्टीन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का वो कहता है दो ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें जो कंडीशन होती है वो वारंटी की तरह ट्रीट करी जाती है पहला है वॉल्ट्री वेवर बाय बायर वॉल्ट्री का मतलब होता है मर्जी से ठीक है तो अगर बायर जो है वो वॉल्टरिली मना कर दे जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक कंडीशन रखी और सेलर ने वो फुलफ़िल नहीं करी तो अब ये आपकी इच्छा है आपकी मर्जी है कि आप जो हो कह सकते हो चलो ठीक है जाने दो और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो वेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ सब्जेक्टेड टू एनी कंडीशन टू बी फिलफिल्ड बाय द सेलर द बायर में वेव द कंडीशन हो सकता है बायर जो है वो कंडीशन को हटा दे अगर सेलर फुलफ़िल नहीं कर पाया तो बायर की मर्जी है कि आप वो कंडीशन पूरी तरह हटा सकते हो या फिर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ़ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ़ वारंटी एंड क्लेम डैमेजेस या फिर बायर जो वो कह दे कि चलो ठीक है मैं इस ब्रीच ऑफ़ कंडीशन को एज़ अ ब्रीच ऑफ़ वारंटी लूँगा और तुमसे डैमेजेस क्लेम करूँगा अब इस वॉल्ट्री वेवर बाय बायर का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं दो बंदे हैं एक्स और वाई वाई जो है वो एक्स के पास जाता है और कहता है कि आ, मुझको ये सबसे हाई क्वालिटी वाला बासमती राइस तुमसे ख़रीदना है सौ बैग्स तुमसे ख़रीदूँगा फोटी फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ पर बैग की प्राइस पे एग्स जो है वो मान जाता है कहता है ठीक है मैं तुमको यही वाला बासमती राइस सप्लाई करूँगा तो वाई ने क्या कंडीशन रखी उसको एक प्रीमियम क्वालिटी का बासमती राइस चाहिए था बट ही सप्लाइड सेकेंड क्वालिटी बासमती राइस एट रुपीज़ थर्टी फाइव हंड्रेड पर बैग बट क्या होता है जब एग्स सप्लाई करता है तो वाई देखता है कि उसने कुछ इन्फीरियर क्वालिटी का बासमती राइस उसको सप्लाई कर रहा है और चार्ज भी एक्स जो है उससे कम लेता है वो कहता है कि देखो आपकी वाली क्वालिटी तो मैं नहीं ला पाया इसीलिए मैं आपसे थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर बैग का चार्ज कर रहा हूँ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कंडीशन ब्रीच हो रही है क्योंकि वाई को वही वाला स्पेसिफिक क्वालिटी वाला चाहिए था तो यहाँ पे एक्स ने क्या किया कंडीशन ब्रीच कर दी उसने दूसरी क्वालिटी का राइस उसको ला के दिया है तो सिंस इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन वाई हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स हमने पहले भी पढ़ा था अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो फिर अग्रीव पार्टी का राइट होता है कि वो सामान को रिजेक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है अब वॉलेंट्री वेवर बाय बायर क्या कहता है कि बायर की मर्जी होती है कि वो या तो कंडीशन को ऑल टुगेदर वेव कर दे बट यू कैन इधर वेव द कंडीशन ऑल टुगेदर कंडीशन ही हटा दे कि चलो ठीक है मैं ये कंडीशन ही हटा देता हूँ मैं तुम्हारा सामान एक्सेप्ट कर लेता हूँ अब आपको कोई सामान ला के दे रहा है उसने आपकी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करी तो ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप उससे डैमेज क्लेम करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करना चाहते हो कि नहीं तो ये वही है वॉल्ट्री वेवर बाय बायर कि बायर जो है वो कंडीशन अपनी मर्जी से वेव कर दे चलो हटाओ या ठीक है ले लेता हूँ यही और ही कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड कैन एक्सेप्ट द सेकेंड क्वालिटी राइस एंड क्लेम डैमेज एट रुपीज़ वन थाउजेंड पर बैग या फिर वो इस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ़ वारंटी की तरह ट्रीट करके इस सेकेंड क्वालिटी राइस को एक्सेप्ट कर सकता है और डैमज़स ले सकता है एक्स से एट रुपीज़ वन थाउजेंड पर बैग मतलब वाई को चावल चाहिए ही चाहिए और उसको लग रहा है चलो ठीक है इसने जो दूसरी क्वालिटी दी है वो भी इतनी ख़राब नहीं है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेकिन मुझे जो भी डैमेज हुआ है वो कंडीशन को उसने वारंटी की तरह ट्रीट करके उससे डैमेजेस ले लिए कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं किया कंडीशन को एज अ वारंटी कंसिडर किया और डैमेजेस क्लेम कर लिए अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं जिसमें कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट किया जाता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर ये कहता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ नॉट सेवरेबल दैट इज़ इट इज इनडिविजिबल एंड द बायर इज़ एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो कि हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता और उसमें क्या हुआ बायर ने जो सामान था वो एक्सेप्ट कर लिया या सामान का कुछ पार्ट एक्सेप्ट कर लिया तो ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी तो ऐसे केस में जो भी कंडीशन ब्रीच हुई है उसको हम एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं कंडीशन uh, ब्रीच नहीं मानते क्योंकि देखिए अगर आपको कोई सामान बेच रहा है और आपने सामान एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कंडीशन ब्रीच हुई है तो उसको एज अ ब्रीच ऑफ़ वारंटी माना जाएगा एक्सेप्ट नहीं करें तब आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को बट एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दिए तब फिर ऐसे केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन इज़ कन्जिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ़ वारंटी और उसी तरह से एक केस और है इफ़ बायर सेल्स द गुड्स टू सब सेलर एंड डायरेक्ट्स द डिलीवरी टू बी मेल्ड टू हिम एक्ट अमाउंट्स टू एन अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स ये कह रहा है कि बायर जो है वो सामान ले सामान चेक ना करे उसने कुछ भी सामान चेक नहीं किया उसने सीधा सामान जो था वो किसी दूसरे बंदे को बेच दिया तो ऐसे केस में क्या हुआ पहले सेलर को क्या लगा कि भैया आपने सामान एक्सेप्ट किया तभी ना आपने किसी को बेचा ओनरशिप एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र होती है तभी आप सामान दूसरे बंदे को बेच सकते हो तो ऐसे केस में अगर बायर ने सामान सेलर से लेके किसी और को बेच दिया इट अमाउंट्स टू एन अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स ये एक्ट ये बताता है कि आपने गुड्स एक्सेप्ट किए हैं तभी आपने गुड्स किसी और को भेजे हैं तो ऐसे केस में भी अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी तो उसको हम लोग एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करते हैं बहुत सिंपली शॉर्ट फॉर्म में समझे तो अगर बायर जो है एक बार गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एक बार आपने एक्सेप्टेंस दे दी हामी भर दी उसके बाद जितनी भी कंडीशन टूट रही है वो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स आपको एक्सेप्ट करने से पहले ये बात बतानी है एक्सेप्टेंस दे दी दैट मीन्स ब्रीच ऑफ कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं केस देखते हैं हार्डी वर्सेज हिलर्न्स केस ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड फॉर द सेल ऑफ़ वीट ऑन सी आई एफ टर्म्स दो लोग थे उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ वीट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑन सी आई एफ टर्म्स सी आई एफ टर्म्स का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट मतलब कि बेसिकली इतना समझ लीजिए कि जब तक बायर को गुड्स नहीं पहुँचते हैं तब तक जो भी सामान होता है उसकी कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सबकी जिम्मेदारी सेलर की होती है सब सेलर पे करता है जब तक सामान बायर के पास नहीं पहुँच जाता तो दो लोग हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर द सेल ऑफ वीट ऑन सी आई एफ टर्म्स अब इसमें क्या होता है बायर री सोल्ड द डिलीवर्ड पार्ट ऑफ द वीट टू सब बायर्स विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वीट अब जब ये जो वीट था जो गेहूँ था ये बायर के पास आया तो बायर ने क्या करा उसको एग्जामिन करे बिना किसी दूसरे बंदे को बेच दिया सब बायर्स फाउंड द वीट टू बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एंड रिजेक्टेड एंड अब सब बायर ने देखा कि ये जो गेहूँ इस बंदे ने मुझे भेजा है ये बहुत ही बेकार क्वालिटी का है बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो अब इस केस में क्या हो रहा है क्या बायर सबसे पहले वाले सेलर को जा करके बोल सकता है कि तुमने मेरी कंडीशन ब्रीच करी और अब तुम मुझे इस चीज़ का रिफ़ंड दो नहीं क्यों क्योंकि ये बायर की गलती है कि उसने बिना चेक करे किसी थर्ड पार्टी को सामान बेच दिया ड्यू टू रीसेल द सेलर हैड लॉस्ड द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स क्योंकि आपने सामान किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया है दैट मीन्स कि आपने सामान एक्सेप्ट किया यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स एंड देन ओनली यू हैव रिसोल्ड तो अगर आपने गुड्स एक्सेप्ट करके किसी थर्ड पार्टी को बिना चेक कर बेच दिया है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम निकलती है कुछ कंडीशन ब्रीच हो रही है तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मैक्सिमम आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप एंड में कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते तो आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी कि, कि दो ऐसी कंडीशंस होती हैं व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी पहली होती है वॉलेंटरी वेवर बाय बायर बायर अपने मन से कह दे ठीक है यार चलो जाने दो मैं इसको एज अ वॉर एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करता हूँ और तुमसे डैमेजेस ले लूँगा या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर बायर जो है वो गुड्स एक्सेप्ट कर ले एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर जितनी भी कंडीशन ब्रीच हो अब आप कुछ नहीं कर सकते तो ये ऐसे दो केसेस हैं व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज़ ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी तो आई होप आपको कंडीशन एंड वारंटीज़ वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंटली पोस्ट करने की कोशिश करूँगी बट प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बता दिया करो ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगैन